होम्योपैथी का इलाज भले ही थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन यह जड़ से समस्या को दूर करता है। साथ ही इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, इसलिए अधिकतर लोग होम्योपैथिक इलाज को प्राथमिकता देते हैं। होम्योपैथिक दवाएं किसी भी दुष्प्रभाव का कारण नहीं बनती। होम्योपैथिक एक प्राकृतिक, सुरक्षित और उपचार के प्रभावी तरीके हैं। होम्योपैथिक दवाएं पौधे और खनिज जैसे प्राकृतिक स्रोतों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। भले ही आप उन्हें अपने पूरे जीवन काल में ले जाएं, वे बिल्कुल गैर विषाक्त और गैर आदत बना रहे हैं और इलाज सुरक्षित और निश्चित है। ये सारी बातें हम यूं ही नहीं कहते, बल्कि इलाहाबाद में लंबे समय से अपना प्रैक्टिस करने वाले होम्योपैथी के प्रतिष्ठित डॉक्टर आरएल त्रिवेदी बताते हैं। यह उनका दावा है कि वह असाध्य और जटिल रोगों को भी ठीक कर सकते हैं, बशर्ते मरीज विश्वास के साथ और डॉक्टर के बताए गए नियमों के अनुसार अपने दिनचर्या को बदल लें। तो जटिल से जटिल रोग इस होम्योपैथी के द्वारा ठीक की जा सकती है। बेसिकली डॉक्टर आरएल त्रिवेदी का जन्म सिवान में ही हुआ था, लेकिन लंबे समय से प्रैक्टिस इलाहाबाद में करते आ रहे हैं। और जब उनको लगा कि उनकी जन्मभूमि के लोगों को सेवा देनी चाहिए, तो वह एक दिन यानी प्रत्येक संडे को सिवान की गुठनी के तेंदुआ मोड़ के समीप अपना समय देते हैं, जहां प्रत्येक संडे दूर दराज से अपने असाध्य रोगों को ठीक कराने के लिए लोग आते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर आरएल त्रिवेदी जी से कि आखिर क्या कारण है कि होम्योपैथी पर विश्वास किया जा सकता है। सर, लंबे समय से यहाँ आप होम्योपैथ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कारण है कि आप उत्तर प्रदेश और बड़े शहरों से छोड़कर यहाँ पे आगे काम कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं? जन्मभूमि है तो कर्म क्षेत्र होने के नाते यहाँ के पब्लिक लोग आग्रह किया कि एक दिन तो टाइम दिया करिए, तो थोड़ा सा लगाव भी है मुझे। जी जी, और कहाँ कहाँ बैठते हैं और किस किस तरह के रोगों के लिए स्पेशलिटी आती है? मतलब दो रोज में देवरिया बैठता हूँ और चार रोज में इलाहाबाद में बैठता हूँ जी, और एक दिन संडे को यहाँ अपने निवास पर आता हूँ। कहाँ कहाँ से मरीज आते हैं और किन किन तरह के लोगों को आप देखते हैं? जितने क्रॉनिक केस हैं, क्रॉनिक जिस भी प्रॉब्लम का स्पेशलाइजेशन है उसको करते हैं और पेशेंट भी जुटते जाते हैं। अच्छा सर, अक्सर यह देखा जाता है कि होम्योपैथ में एक चीज़ तो माना जाता है कि बीमारियां तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन काफ़ी लंबा समय चलाना पड़ता दवा, इसके पीछे का क्या रीज़न है? नहीं देखिए, एक तो होता है निदान और एक सप्रेशन होता है जी। तो होम्योपैथिक तो निदान करती है, तो कुछ टाइम टेकिंग तो होता ही है, क्योंकि क्रॉनिक के स्टेज में ही आदमी आता है जी जी, तो निदान में कुछ टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा लंबा चलाना पड़ता है।